नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको आधार कार्ड सुपरवाइजर बहाली के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन निकाला गया है। जिसको आप 12वीं पास कैंडिडेट हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, वीडियो को चालू करने से पहले आपको देखिए, जैसे ही इस पोर्टल पर जाएंगे, इस पोर्टल का लिंक है जो आपको csc.gramin.naukri.in के वेबसाइट पर जाके आप इस पोर्टल पर जा सकते हैं। जैसे ही इस पोर्टल पर जाएंगे, हमको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आधार सुपरवाइजर का एक लोगो मिलेगा, जिस पर हम अप्लाई वाले क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमको ये इस ईमेल आईडी यहाँ पे मेरा डालना है, जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के हम सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे। इसमें कोई भी सीएससी भैली इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। उनके परिवार का अगर कोई आदमी व्यक्ति हो तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को में हम यहाँ पे अपना डाल लेते हैं। यहाँ पे ओटीपी पर जाके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमको एक पेज खुल के आएगा। देखिए, ये पेज खुल के आ गया है जिसमें मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगा जा रहा है, जिसमें हम आपको फर्स्ट नेम देना है। इसमें अपना फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, मिडिल नेम सेलेक्ट करेंगे, लास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ जेंडर पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, डेट ऑफ इसमें डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरिटियल स्टेटस डालेंगे। आप शादीशुदा हैं तो इस पर यहाँ पे मेरिट करेंगे, वरना सिंगल करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद मदर नेम यहाँ पे डाल लेना है, माता का नाम। यहाँ पे करेंट एड्रेस आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो लोकेशन है वो डाल लेना है, कॉलोनी हो, जो स्ट्रीट हो, सेक्टर हो या सिटी, जो भी हो डाल लेना है आपका। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम डाल लेना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ पे स्टेट डाल के। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी आपका अगर कोई है तो दूसरा डालेंगे, या नहीं तो सेम एज अबव पे करेंगे तो यही एड्रेस आपको सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको 12वीं पास लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट जॉब लोकेशन के बारे में आपको बताया गया। फर्स्ट जॉब लोकेशन कहाँ लेना है? बिहार, ये पूरे इंडिया में इसके लिए बहाली निकाली गई है आधार सुपरवाइजर के बारे में। इसके लिए आप बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो लोग इसमें आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है, जिनके पास जो आधार सुपरवाइजर एग्ज़ाम पास किए हुए हैं सुपरवाइजर के पद के लिए, जिनका सर्टिफिकेट सुपरवाइजर का है, वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गया है, बिहार हो, जो भी स्टेट हो आप अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, और ज़िला भी है जहाँ भी आपका है। फर्स्ट लोकेशन देना चाहते हैं, यहाँ पर सेकेंड जॉब लोकेशन आपको देना है, यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट देना है, यहाँ पर थर्ड जॉब लोकेशन देना है, जो भी है डिस्ट्रिक्ट देना है। यहाँ पे यूआईडी सर्टिफिकेट, जो आपका सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट जो मिला होगा उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर को डाल लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर देना है, इस बटन पे क्लिक करके हमको यहाँ से रजिस्टर कर देना है। जैसे रजिस्टर करेंगे तो उसमें आप फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।